ईद को लेकर शहर में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं भोजपुर थाना क्षेत्र के ठिकरी गांव में बने एसक्यू चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में बच्चों ने एक दिन पहले ईद उल फितर का त्योहार एक दूसरे के गले मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाया और स्कूल में सभी बच्चों ने फल और मिठाई एक दूसरे को खिलाई। ईद मनाई, किस तरह से मनाई? अच्छी मनाई। एक दूसरे के गले मिलके? किस तरह से गले मिलकर? किस तरह खुशी महसूस हो रही थी जब आपने इसका पर्व स्कूल में एक दिन पहले मनाया है? अच्छा लग रहा। अच्छा बेटे, जैसे दो साल के बाद अब ईद मनाने का मौका मिला है स्कूल खोले हुए थे, पिछले साल लगातार कोरोना काल के बिना पर ईद नहीं मनाई गई थी, क्या कहना चाहोगे? खुल के मनाई गई है? हाँ। क्या क्या बांटा गया स्कूल की तरफ से? सिमैया और चीज। वही स्कूल के संचालक अजीम द्वारा स्कूल के इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए जानकारी देते हुए बताया गया कि हम हर एक त्योहार को एक दिन पहले शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों के साथ मनाकर भाईचारे और अमन शांति का संदेश देते हैं, जिसमें आज भी हमने आगामी ईद उल फितर के त्योहार को बच्चों के साथ मनाकर शांतिपूर्ण तरीके से देश में अमन शांति बनाए रखने की अपील की है, जिसमें स्कूल संचालक अजीम द्वारा अपील कर देशवासियों से आगामी त्योहारों को शांति व्यवस्था के साथ मनाने की भी अपील की गई। हमारे यहाँ स्कूल में आज ईद को लेकर प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों को सिमइयों का और अन्य व्यंजनों का खाने का व्यवस्था की गई थी और पूल पार्टी की भी रखी गई थी बच्चों के लिए। हमारे यहाँ हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ किया ही जाता है, जैसे लास्ट टाइम से होता हुआ आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए तो ईद पे भी बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया था, जिससे बच्चों का मैसेज जाता है, ईद को पता चलता है ईद क्यों मनाई जाती है और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली।